अब जैसे ही कोमा में जाते हैं उनकी कार से ट्रैवलिंग बंद हो जाती है कार का तो एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो ट्रेन से अब ट्रैवल करते हुए अपने को महसूस करते हैं अपने को पाते हैं इन ड्रीम्स इन कोमा कोमा इज समथिंग लाइक डीप 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 स्लीप बहुत 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 ज़्यादा गहरी ऐसी गहरी नींद जिसमें आप सब्जी जैसे वेजिटेटिंग स्टेट में हो जाते हैं और कई 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 बार तो ऐसा होता है कि कई लोग कई कई वर्षों तक कोमा में रहते हैं बेहोश पड़े रहते हैं अस्पताल में और ऑक्सीजन के बल पर जिंदा रहते हैं लेकिन दिमाग तो जिंदा रहता है पर शरीर मृत प्राय रहता है इसमें से कुछ लोग कई वर्षों बाद अचानक ठीक भी हो जाते हैं पर अधिकतर लोग कोमा से आ, कोमा के दौर में अंततः मृत्यु की ओर निकल जाते हैं सो so, हियर अब वो ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन में आ गए हैं द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट यहां बॉम्बे के ऊपर स्टार लगा हुआ है स्टार क्यों लगा है क्योंकि अब बम्बई को मुंबई कहते हैं जब ये कहानी लिखी गई थी तो बॉम्बे थी अब वो मुंबई हो गया है तो द जीजा माता एक्सप्रेस नेम ऑफ द ट्रेन स्पेड अलोंग द ट्रेन बॉम्बे पुणे रूट स्पेड अलोंग टू स्पीड से बना स्पीड स्पेड स्पेड इट स्प्रेड अलॉन्ग द रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डन क्वीन कंसिडरेबली मतलब तुलना में डेकन क्वीन नाम की बहुत प्रसिद्ध ट्रेन चलती है पुना और बॉम्बे के बीच में लेकिन यह जीजा माता एक्सप्रेस जो है वो उससे भी ज्यादा तेज चल रही थी डेकन क्वीन बड़ी प्रसिद्ध ट्रेन है बहुत पुरानी ट्रेन है और डेकन क्वीन से भी ज़्यादा तेज चल रही थी ऐसा प्रोफेसर गायतोंडे सपने में देख रहे हैं देर वॉज़ नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे पुणे के बाद कोई सा भी औद्योगिक शहर नहीं आ रहा था द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन फोर्टी मिनट्स लोनावाला नाम की जगह जो पहला स्टॉप था उनके सपने में जो पहला स्टॉप था वो चालीस मिनट बाद आता है अर्थात देखिए अब उनका सपना चल रहा है चालीस मिनट बाद आता है उनको लगता है द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफ्रेंट फ्रॉम वाट ही न्यू जब पूना से बम्बई जाते हैं तो घाट आता है तो ब्यूटीफुल रूट ट्रेन रूट लोग बहुत यात्रा करते हैं इस पैच में ट्रेन से क्योंकि घाट का दृश्य बड़ा शानदार है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जो दृश्य है वो बड़ा शानदार दिखता है अब खूब हरियाली पहाड़ियाँ घने जंगल तेज़ी से बहता हुआ पानी घाट के कारण और आ, अलग सुंदरता मौसम बड़ा शानदार तो वो उनको याद आ रहा है द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू जो उनको मालूम था वैसा ही घाट सेक्शन उनको दिखाई दिया सपने में द ट्रेन स्टॉप एट करजात ओनली ब्रीफली अब वो आगे ट्रेन रुकती है कहाँ पर करजत में ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड और उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद अब और ज़्यादा तीव्रता से वो आगे बढ़ती है यानी ट्रेन बहुत तेज चल रही है उनके सपने में रिमेंबर इन हिज ड्रीम व्हेन ही इज इन कोमा इट रोड थ्रू कल्याण और अब कल्याण आता है जो बम्बई के पास है रोर करना मतलब जोरदार आवाज के साथ द लायन रोर्स द लायन रोर्स शेर की जो आवाज है दहाड़ चिंगाड़, उसको रोरिंग कहते हैं तो दहाड़ के साथ ट्रेन चली जा रही है कल्याण के पास बहुत तेजी से मतलब भागे जा रही है एंड सो इट रोड थ्रू कल्याण मीन वाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गाय तोंडे हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ सेक्शन इन बॉम्बे अब देखिए ये वाक्य मीन वाइल इस बीच इस बीच द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गाय तोंडे उनका दिमाग जो बड़ी तेजी से दौड़ रहा था सपने में बड़ी तेजी से उनकी ट्रेन दौड़ रही थी सपने में चालीस मिनट में वहाँ पहुँच गई उसके बाद फिर बहुत थोड़ा रुक के फिर आगे बढ़ी और कल्याण आ गया और कल्याण आने पर भी वो बड़ी तेजी से भागे जा रही थी ये सब उनका माइंड रेसिंग था बड़ी तेजी से उनका दिमाग दौड़ रहा था सो so, रेसिंग माइंड गाइव एट ए प्लान ऑफ सेक्शन

एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड सूनर उन्हें पहले सोच लेना था वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी पहले से प्लान ऑफ एक्शन बंबई में क्या करना है इसके बारे में उन्हें पहले सोच लेना था रेसिंग माइंड में वो चले जा रहे थे लेकिन वो सोचने का समय नहीं मिला कि बंबई में जाके क्या करूंगा और ये ट्रेन बंबई आ गई और हिस्टोरियन उन्हें तो पहले प्लान बना लेना था कि क्या करेंगे ही फेल्ट ही शुड सूनर मतलब सून मने जल्दी और सूनर मतलब जल्दी से जल्दी और पहले आई कुड सूनर टू यू मैं तुम तुम्हारे पास और पहले आ सकता था आई विल कम सून मैं जल्दी आऊंगा और यू कैन कम सूनर तुम तो उससे भी जल्दी आ सकते हो सो सूनर सो ब्रॉड टूथ ना ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी अब उन्होंने योजना बनानी शुरू की और कहा आई विल गो टू ए बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री ब्रुक्स ब्राउजर आपने सुना है ब्राउजर क्या होता है कंप्यूटर के साथ जो माउस के उपयोग से जो आप देखते हैं वो ब्राउज करते हैं देखना परखना खोजना उलटना पलटना ये इसके कई अर्थ हैं ब्राउज सो ही ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स उन्होंने कहा मैं एक बड़ी लाइब्रेरी जाऊँगा और वहाँ इतिहास की किताबों के पन्ने पलटूंगा दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉज रीच्ड ये सबसे सही तरीका होगा ये समझने का कि आज जो देश है वो जिस स्थिति में है वो कैसे पहुँचा प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर स्टेट मतलब राज्य नहीं स्टेट माने स्थिति अब देखिए मैं आपको याद दिला दूं infer the द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन इस कंटेक्स में स्टेट का क्या अर्थ है इस कंटेक्सट में स्टेट का अर्थ राज्य नहीं है इस कंटेक्स में स्टेट का अर्थ शासन भी नहीं है इस कंटेक्स में स्टेट का अर्थ क्या है बताएं दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर इस कंटेक्स में स्टेट का अर्थ बताना भी नहीं है इस कंटेक्स में स्टेट का अर्थ है स्टेट ऑफ अफेयर स्थिति तो चार शब्द स्टेट के हैं चार अर्थ हैं यहाँ पर इस कॉन्टेक्स में कौन सा मीनिंग आया स्थिति अफेयर मतलब मामला हम आज जहाँ हैं कैसे पहुँचे ये पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होगा ही ऑल्सो प्लान इवेंचुअली रिटर्न टू पुणे एंड हैव ए लॉन्ग वॉक विथ राजेंद्र देश पांडे और उन्होंने ये भी प्लान किया खटाखट दिमाग में कि मैं बहुत जल्दी अंततः इवेंचुअली मतलब अंततः मैं अंततः जल्दी से जल्दी पूना पहुंच जाऊंगा और पूना, पूना पहुंचने के बाद अंततः मैं राजेंद्र देश पांडे से मिलूंगा इवेंचुअली मतलब अंतः इवेंचुअली आई सक्सीडेड इन पासिंग क्लास ट्वेल्व बोर्ड एग्जाम विथ नाइन्टी परसेंट मार्क्स इवेंचुअली अंततः साल भर में प्रयास करते रहा और अंततः में नब्बे प्रतिशत से पास हो गया इवेंचुअली ही मेड विथ एन एक्सीडेंट बट इवेंचुअली ही बिकेम ऑल राइट उसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन अंततः वह ठीक हो गया इवेंचुअली अंततः सो ही आल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव ए लॉन्ग टॉक विथ राजेंद्र देश पांडे कौन था राजेंद्र देश पांडे कौन है उनका मित्र जिसे वो बाद में मिलते हैं रियल लाइफ में यहाँ पर वो सपने में भी सोच रहे हैं कोमा में भी सोच रहे हैं कि मैं जाके उससे मिलूंगा हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड वॉट हैज है जो उन्हें समझने में मदद करेगा कि ये घटनाक्रम सब कैसे हुआ कौन सा घटनाक्रम इतिहास का घटनाक्रम थर्ड बैटल ऑफ पानी के घटनाक्रम की सच्चाइयों पर वे अपने मित्र से लंबी बातचीत करेंगे लॉन्ग टॉक एंड ही विल अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपन दैट इज एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन लाइक राजेंद्र देश पांडे दैट इज मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे दैट इज किस कंटेक्स्ट में है इसको समझें यहाँ पे दैट इज़ का अर्थ हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान लें टू अज्यूम मतलब मान लेना हम ये मान लें कि इस दुनिया में राजेंद्र देश पांडे नाम का कोई एक व्यक्ति है ऐसा क्यों कह रहा है लेखक क्योंकि राजेंद्र देश पांडे नाम तो उनको कोमा में आया रियल वर्ल्ड में है कि नहीं ये नहीं पता कोमा में उनको ये नाम सूझा राजेंद्र देश पांडे से मैं मिलूंगा अब ये कौन था क्या था कोमा में वही जाने लेकिन सच्चाई तो बाद में पता लगती तो एज्यूमिंग दैट देर एग्जिस्टेड मैन एग्जिस्ट करना मतलब अस्तित्व में रहना अस्तित्व में होना समवन कॉल राजन देश पांडे कोई इस नाम का व्यक्ति अस्तित्व में होगा तभी वो मिलेंगे द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल एक लंबी टनल आती है बंबई जाने के रास्ते में बियॉन्ड मतलब उसके बाद। बियॉन्ड के बाद आई कैनॉट थिंक बियॉन्ड दिस इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता अर्थात इस सीमा के बाद मैं ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूं सो so, द ट्रेन स्टॉपड बियड द लॉन्ग टनल लॉन्ग टनल के बाद ट्रेन रुक गई यू मस्ट वर्क बीड ऑफिस आवर्स ऑफिस आवर्स के बाद तुम्हें काम करना चाहिए के बाद भी तुम्हें काम करना चाहिए के बाद सो बियड मतलब के बाद द ट्रेन स्टॉप बियड द लॉन्ग टनल इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद सरहद मतलब क्या होता है सीमा देश के सरहद में फौजी खड़े हुए हैं हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं सरहद यानी सीमा तो यहाँ पर भी गायतोंडे जी को सपने में याद आता है सपने में दिखाई देता है कि एक छोटे स्टेशन में आ गए हैं जिसका नाम है सरहद एन एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकड परमिट्स और एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति एंग्लो इंडियन मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसके माँ बाप भारत भारतीय और इंग्लिश का मिश्रण हो या तो वाइफ भारतीय हो और आदमी इंग्लैंड का रहा हो या उल्टा और उनके जो ऑफ स्प्रिंग हैं उनके जो बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं तो एंग्लो इंडियन एक यूनिफॉर्म में आया एंड चेक्ड वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स और लोगों की टिकट देखने लगा ये जो कहानी है अभी तक जो चल रही है ये कहानी एक अडप्टेड वर्शन है अडेप्टेड वर्शन मतलब किसी ओरिजिनल कहानी से थोड़ा सा बदलाव किया गया है एट द एंड ऑफ योर बुक ऑन दिस पेज इट इज रिटर्न द प्रेजेंट स्टोरी इज एन एडेपेड वर्शन एडेप्टेड मतलब कुछ बदलाव के साथ ले लिया जाना यू हैव एडेप्टेड वेल टू वेदर ऑफ इंग्लैंड तुमने इंग्लैंड के मौसम में अपने को अच्छा ढाल लिया है ढालना बदलाव में एडजस्ट होना उसे कहते हैं अडेप्ट आई कैनॉट टू द न्यू सिचुएशन मैं इस नई स्थिति में अपने को नहीं ढाल पा रहा हूँ अपने को ढाल लेना तो यहां पर आपके पुस्तक में लिखा हुआ है द प्रेजेंट स्टोरी इज एन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी कैन बी कंसल्टेड वेबसाइट इस कहानी को पूरा लंबा आपको देखना हो तो एनसीआरटी के वेबसाइट में है और उस वेबसाइट में क्या मिलेगा वही बात मिलेगी जो मैंने आपको पृष्ठभूमि या ओवरव्यू के रूप में जो बताई हिंदी में दैट यू विल फाइंड In NCRT website, giving you the overview of this story. So what you have here is an adapted version. इसको यहाँ आपके अनुसार इस कहानी को ढाल लिया गया है आपकी ज़रूरत के अनुसार इस कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है और उसके बाद ये कहानी है, लिखी गई है लेकिन यदि आपको मूल कहानी पढ़नी है तो आप उसको देखें एन सी की वेबसाइट में जाएँ सो एट दी एंड ए मैन कम्स इन इज एन एंग्लो इंडियन एंड आज फॉर टिकट फाइंड आउटर पीपल आर हैविंग टिकट ऑर नॉट नाउ एज दैट एंग्लो इंडियन टिकट चेकर बाय द नेम खान साहेब हुए को पैसेंजर खान साहेब बोलते हैं दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिनस यहां से अंग्रेजी राज शुरू होता है एंग्लो इंडियन को देखकर उन्होंने एक कमेंट किया यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रज्यूम टू प्रज्यूम मतलब अंदाज लगाना महसूस करना सोचना यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रज्यूम खान साहब आस्ड खान साहब ने पूछा कि क्या आप पहली बार जा रहे हैं अंदाज लगाते हुए उन्होंने कहा कि क्या पहली बार जा रहे हैं यहीं देखो इनके आने से अब लगता है कि ब्रिटिश राज यहीं से शुरू हुआ यस द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट जवाब आए हाँ और फैक्चुअली ये जवाब सही था फैक्चुअली मतलब तथ्य के अनुसार जो उत्तर आया कि हां यहां से ब्रिटिश राज शुरू हुआ यह बात सच थी गंगाधरन पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर गंगाधरन पंत इसके पहले इस बॉम्बे में नहीं आए थे ही आर नॉट कम टू देयर वेंचर ए क्वेश्चन उन्होंने फिर एक सवाल पूछा वेंचर करना मतलब अब यहां देखिए कॉन्टे टू वेंचर वैसे मतलब होता है कुछ साहसिक काम करना और उसी से बना वर्ड एडवेंचर और एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य साहस का काम यहाँ पे अभी तक क्या साहस का काम हुआ है अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन एडवेंचर का मतलब यहाँ पर आप कहानी के आखिरी में समझेंगे पर यहाँ पे टू वेंचर मतलब समझ जाए अंदाज लगाना ही वेंचर थोड़ा सा बहादुरी से पूछना ही वेंचर ए क्वेश्चन उन्होंने एक सवाल पूछ लिया एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर तो आप पेशावर कैसे जाएंगे यहाँ से मैं तो बम्बई जा रहा हूँ लेकिन आप पेशावर कैसे जाएंगे ये सब कल्पना में हो रहा है मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ आई एम रिपीटेडली ट्राइंग टू रिमाइंड यू दैट ऑल दिस इज गोइंग ऑन इन हिज स्टेट ऑफ coma when ही इज नॉट कॉन्शियस एट ऑल आप पेशावर कैसे जाएंगे अब देखिए पेशावर कहाँ है नक्शे में पाकिस्तान का एक हिस्सा है बंबई कहाँ है बंबई से पेशावर खान साहब के दिमाग में कोमा के समय में ये बात चल रही है तो जवाब क्या आता है दिस ट्रेन गोज टू विक्टोरिया टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस इज द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई क्वीन विक्टोरिया के नाम से बना हुआ है और टर्मिनस मतलब क्या होता है टर्मिनस मतलब जहां पे समाप्त होती है ट्रेन वह स्टेशन जहां पे सब ट्रेनें समाप्त हों उसे टर्मिनस कहते हैं बंबई एक अंतिम स्टेशन हो जाता है एक रास्ते एक दिशा में और वहां पे सब ट्रेनें आके समाप्त होती हैं और वो विक्टोरिया टर्मिनस कहलाता है वेरी ग्रैंड बिल्डिंग यू कैन सी दैट तो वो कहते हैं आ, दिस ट्रेन गोज टू तो विक्टोरिया टर्मिनस आई विल ट्रेक फ्रंटियर मेल टू तो नाइट आउट ऑफ सेंट्रल और फिर उसके बाद में एक और ट्रेन पकड़ूंगा जिसका नाम है फ्रंटियर मेल फ्रंटियर मतलब अंतिम सीमा वो ट्रेन को पकडूंगा और वो कहाँ से पकडूंगा सेंट्रल बॉम्बे से विक्टोरिया टर्मिनस तक तो ये ट्रेन जाएगी उसके बाद मैं एक और स्टेशन जाऊंगा किसी तरीके से जिसका जिक्र यहाँ नहीं है और उस स्टेशन का नाम है सेंट्रल बॉम्बे सेंट्रल वो बम्बे का ही स्टेशन कहलाता है दादर उसका एक हिस्सा है वहाँ जाऊँगा हाउ फार डज़ इट गो बाई वॉट रूट अब ये पूछते हैं सपने में ही पूछ रहे हैं खान साहब से कि, आ, कितना जाएगी है? कितनी लंबी यात्रा है और रास्ता क्या है इसका हाउ फार डज इट गो एंड बाय व्हाट रूट किस रास्ते से जाएगी बम्बई से पेशावर जाने का रूट क्या है तो खान साहब बताते हैं बॉम्बे टू दिल्ली देन टू लाहौर एंड देन टू पेशावर ए लॉन्ग जर्नी बहुत लंबी यात्रा है विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमोरो आई विल नॉट रीच टुमोरो टुमोरो मतलब कल और परसों को क्या बोलते हैं द डे आफ्टर और नर्सों को नेक्स्ट टू द डे आफ्टर समझने की कोशिश करिए कल को बोलते हैं टुमोरो नॉट यस्टरडे बीते हुए कल के बोलते हैं यस्टरडे आने वाले कल को बोलते हैं टूमोरो Tomorrow के बाद परसों को बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो और नर्सों को बोलते हैं नेक्स्ट टू द डे आफ्टर टुमारो याद रखेंगे तो so, वो कहता है, बहुत लंबी यात्रा है मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा दिल्ली से फिर लाहौर और फिर वहां से पेशावर ए लॉन्ग जर्नी अ रीच पेशावर नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो मैं परसों पहुंचूंगा मतलब 48 घंटे की जर्नी अभी बाकी है मेरी

ऐसा उनको कुछ अजीब नहीं लग रहा था नाराज़ नहीं हो रहा था वो चाह रहे थे कि हाँ ये बातें सुनूँ और क्यों चाह रहे थे ही वॉज अ मैन ऑफ हिस्ट्री और खान साहब की बातचीत से उन्हें बहुत सारी हिस्ट्री की जानकारियाँ मिल रही थी इतिहास मिल रहा था तो इतिहास को समझने के बहुत से तरीके होते हैं उसमें एक तरीका ये भी यात्रा के दौरान लोगों से बातें करना और उसके संदर्भ में पूछना तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती तो This man was willing to speak, and Ganga Pant was willing to listen. Ab kya chahiye So he went on speaking about his business, and Ganga Dharpant was willing listener. For in that way he was able to get some flavour of life in this India that was so different, or is prakar. Ab for in that way or is prakar. Gangadhar jo wo फ्लेवर ऑफ लाइफ जीवन के जीवन की कुछ खुशबू जीवन की महक जीवन का स्वाद फ्लेवर माने स्वाद जीवन का स्वाद इस भारत के इस क्षेत्र के लोगों के जीवन का स्वाद अब उन्हें मिल रहा था जीवन का स्वाद का अर्थ क्या होता है भारत के इस क्षेत्र के लोगों के जीवन की जानकारी उनको मिल रही थी कहने का कितना बढ़िया तरीका ही गेटिंग द द फ्लेवर ऑफ पीपल ऑफ दिस बेल्ट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट सो डिफरेंट जो इतना अलग था सो so मतलब इतना अलग यू आर सो टॉल तुम इतने ऊंचे हो ओ माई गॉड ही सो ब्यूटिफुल वो इतनी सुंदर है तो इतनी सुंदर के लिए क्या बोलेंगे सो so ब्यूटिफुल my dress is so beautiful, mary dress the bahati sundar. Hai. Itne so itanish so ko so yaha he was so um, different. india, he would get a flavor of it by talking to khan sahib. and he was a good listener. and khan sahib was a good speaker. he loved speaking. the train now passed through the suburb rail traffic. सपने में ट्रेन चल रही है अभी कल्याण पार हो गया सब हो गया लेकिन ट्रेन चल रही है सपने में अब सबर बात सबर मतलब क्या होता है बड़े बड़े शहरों के टुकड़े एक एक सबर जैसे दादर वर्ली बैंड्रा बैंड स्टैंड चर्च गेट विले पाले अम्बरनाथ ये बम्बई के सबर्ब हैं क्षेत्र है बंबई स्वयं में इतना बड़ा है एक देश जैसा है लगता है तो सबर्ब शब्द बना कहां से सब अर्बन अर्बन मतलब शहर सब मतलब शहर का टुकड़ा तो उसको संक्षिप्त में बोलते हैं सब अर्ब सो इट वॉज अ सब अब इट वॉज पाथिंग टू सब ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक अब सब अर्बन रेल ट्रैफिक क्या है वो ट्रैफिक जो डेली के लिए है लोकल ट्रेन्स को कहते हैं सबर्बन रेल्स जो सब स्टेशंस में चलती है सब मतलब अंग्रेजी का सब एस यू बी मेन स्टेशन नहीं सब स्टेशन टुकड़े टुकड़े में जैसे अब रायपुर में भी आप तीन चार ऐसे सब अर्बन आपको धीरे धीरे मिलेंगे बनते हुए एक तो मुख्य स्टेशन है दूसरा केंद्रीय है तीसरा आ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पास बन रहा है चौथा नया रायपुर में बन रहा है ये सब सबर्बन कल लेकिन वो तब जब शहर बहुत बड़ा हो जाएगा तब इसके कहेंगे सबर्बन स्टेशन तो बॉम्बे में ऐसे बहुत से सबर्बन स्टेशन हैं और उनके बीच में जो चलती है ट्रेन जिसे हम यहाँ के संदर्भ में कहते हैं एम जो रायपुर दुर्ग और रायपुर बिलास के पुर के बीच में आना जाना करती है लगातार लोगों को ले जाती है लाती है उसी तरह ये ट्रेनें सबर्बन ट्रेन कहलाती हैं बम्बई की नीले रंग की रहती हैं आप देख सकते हैं इनका रंग और भारी भीड़ रहती है इस ट्रेन में दे आर डिफरेंट फ्रॉम मेट्रो ऑफ दिल्ली दिल्ली की मेट्रो से सबर्बन ट्रेन बम्बई की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि ये दिल्ली बम्बई की ट्रेनें जो हैं बहुत पुरानी हैं इनके जो ट्रैक्स हैं इनकी जो पटरियां हैं और इनकी जो बोगी कोचेज़ हैं ये पुराने हैं बट देन दे आर द लाइफ लाइन ऑफ बम्बे लेकिन यही बम्बई का जीवन है बम्बई में आप बिना सबरबन ट्रेन में यात्रा किए बम्बई के जीवन का स्वाद का आनंद नहीं ले सकते सो द ट्रेन पास थ्रू सबरबन रेल ट्रैफिक द ब्लू कैरिज कैरिड द लेटर्स जी बी एम आर ऑन द साइड जिसके जो नीले कैरिज हैं कैरिज मतलब डब्बा कैरी से बना कैरिज, जो कैरी करे वह कैरिज, तो इसके जो नीले डब्बे हैं जो कैरिज हैं, उसमें क्या लिखा है बड़े अक्षरों में उसमें लिखा है जी बी एम आर ग्रेटर बॉम्बे मेट्रो रेलवे ग्रेटर बॉम्बे मेट्रो रेलवे उसके साइड में सब जगह लिखा हुआ है ऐसा गाय तोंडे सब सोचते हुए जा रहे हैं। सपने में सोच रहे हैं ये पूरा उनके कोमा की स्थिति में हो खुद पड़े हुए हैं बिस्तर में अस्पताल में एक्सीडेंट के बाद लेकिन देखिए दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है दिमाग उनका एडवेंचर कर रहा है दिमाग उनका यात्रा कर रहा है नए नए क्षेत्रों में जा रहा है अब देखिए वो नए क्षेत्र बम्बई के उस क्षेत्र में आ गए जहाँ वो कभी गए नहीं थे ग्रेटर बम्बे मेट्रोपॉलिटन रेल नॉट मेट्रो मेट्रोपॉलिटन रेल एक्सप्लेन खान साहेब खान साहब ने बताया ये जी बी एम आर का फुल फॉर्म ये है क्योंकि गायतोंडे जी जो पहली बार उस रास्ते में जा रहे थे उनको समझ में नहीं आया क्या है उन्होंने पूछा होगा तो उसने कहा था ये ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे कहलाती है सी द टाइनी यूनियन जैक प्रिंटेड ऑन ईच कैरी देखिए टाइनी मतलब छोटा फ्रॉम द डिस्टेंस कुतुब मीनार लुक्स टाइनी बहुत छोटा दिखाई देता फ्रॉम द डिस्टेंस द हिमालय लुक टाइनी दूर से हिमालय जो है छोटा दिखाई देता है टाइनी माने छोटा स्मॉल इन साइज टाइनी मतलब छोटा इन साइज आकार में छोटा तो अब ये खान साहब आगे बोलते हैं ये खान साहब को तो बोलने की आदत थी एक वाक्य पूछो तो चार बातें बताते थे और पंत साहब तो सुनने को तैयार थे ही तो बढ़िया हाँ बातचीत चल रही है और उसमें खान साहब कहते हैं कि इसमें जो जी बी एम आर के बाजू में एक एक छोटा झंडा देखो ये अंग्रेजों का झंडा है।, अंग, है भारत के झंडे को, को क्या कहते हैं भारत के झंडे को कहते हैं तिरंगा झंडा और इंग्लैंड के झंडे को क्या कहते हैं यूनियन जैक क्या कहते हैं यूनियन जैक यूनियन जैक सी टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज हर कैरिज में छोटे छोटे झंडे बने हुए अंग्रेज इंग्लैंड के देखिए जरा इसको ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी और इससे हमको एक रिमाइंडर मिलता है कि हम लोग ब्रिटिश एरिया में आ गए हैं ऐसा खान साहब कह रहे हैं किस बात से रिमाइंडर मिलता है वो एंग्लो इंडियन के आने से जो टिकट चेक कर रहा है किस बात से रिमाइंडर मिलता है इस टाइनी यूनियन जैक से. और Um, गायतोंडे जी के लिए तो ये जगह वैसे भी नहीं थी द ट्रेन बिगेन्स टू नाउ स्लो डाउन बियॉन्ड दादर दादर बम्बई का एक सबर्ब है मेजर सबर्ब बहुत बड़ा क्षेत्र बहुत घना इलाका है अब वहाँ पर ट्रेन आते आते धीरे हो जाती है स्लो डाउन यू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ योर कार यू आर वॉकिंग वेरी फास्ट कम ऑन स्लो डाउन भाई तुम तो बहुत तेज़ चल रहे हो थोड़ा धीरे चलो स्लो डाउन डाउन मतलब नीचे नहीं होता स्लो मने धीरे और स्लो डाउन मतलब धीरे हो जाना एंड ही स्लो डाउन हिज कार और उसने अपनी कार धीरे कर दी तो यहाँ पर ट्रेन स्लो डाउन बियॉन्ड दादर बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस डेस्टिनेशन मतलब अंतिम लक्ष्य लक्ष्य वहाँ पर जाके ट्रेन अब पूरी रुक गई दादर से धीरे धीरे चलती हुई आई रुक गए द स्टेशन लुकड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन रिमार्केबली मतलब बहुत शानदार नीट लग रही थी और क्लीन लग रही थी साफ सुथरी विक्टोरिया टर्मिनस का स्टेशन बड़ा साफ सुथरा लग रहा था यह सब सपने में देख रहे हैं कौन गाय तोंडे जी कि अब वो ट्रेन से उतरे वो ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस में रुकी और फिर उनके सपने में याद आया देखा उन्होंने कि वो ट्रेन स्टे, स्टेशन जो है बड़ा शानदार दिख रहा है द स्टाफ वॉज मेस्टली मोस्टली मेड ऑफ़ एंग्लो इंडियंस उनको जो स्टाफ दिखे वहाँ पे ट्रेन में टिकट चेकर्स और गेट में जो चेक करते हैं ये लोग सब एंग्लो इंडियन दिखे ये लोग पारसी दिखे पारसी पी ए आर एस डबल ई पारसी कम्यूनिटी ये भारत में ईरान से आई थी इनकी संख्या बड़ी कम है और पारसी कम्युनिटी अभी भी भारत में है बड़ी छोटी संख्या में लगभग एक लाख भी नहीं होंगे आज की तारीख में और बम्बई में बस गए हैं मोस्टली दे आर लिविंग इन बॉम्बे एरिया और बॉम्बे में भी आध दो कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर पारसी रहते हैं बहुत ही शांत प्रिय लोग बहुत ही मिलनसार वेरी वेल बिहेव्ड, एंड एक्सट्रीमली पीस लविंग पीपल तो ये पारसी लोग वहाँ पे दिखाई दिए स्टेशन में क्योंकि ये लोग स्टेशन में काफ़ी रेलवे की ड्यूटी में काफ़ी नौकरी कर रहे थे और ऐसे इंडियन भी दिखाई दिए अलॉन्ग हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर और कुछ अंग्रेज भी दिखे किनको दिखे गोय जी को कब दिखे सपने में जब वो कोमा में थे